हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरीके से जो है अपना टीए क्लेम का फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है टीए क्लेम करने के लिए आपको चाहिए होता है फॉर्म नंबर 7, यानी कि HPTR हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी रूल का फॉर्म नंबर 7। तो इस तरीके का जो है फॉर्म ये आपके पास रहता है, ऑनलाइन आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो है प्रिंट निकलवाने के बाद जो है आप इसको भर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है इस तरीके का फॉर्म रहेगा, यहाँ जो है आपने एस्टेब्लिशमेंट भरनी है अपनी, यानी कि यहाँ जो है बेसिकली DDO का नाम रहता है और मंथ भरेंगे आप जिस मंथ का आपका TA है। तो जैसे अक्टूबर का मंथ है और इसे जो है 2024 में आपने क्लेम करना है। अपना नेम यहाँ डालेंगे, जो भी आपका नेम है, जैसे मैं डालता हूँ राहुल और ये जो है JAO IT पोस्टेड है, तो इस तरीके से जो है आप डाल सकते हैं। और यहाँ जो है आप इनकी बेसिक पे डालेंगे, तो ये जो है 2600 आई थिंक JAO की होती है, तो आप डाल सकते हैं। और हेडक्वार्टर जहाँ आपका है वहाँ आप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कांगड़ा डाल रहा हूँ। और पर्पज़ जो है आप लिख सकते हैं एज़ पर टूअर डायरी, जो टूअर डायरी आप अटैच करेंगे उसमें जो है लिखा जाएगा एज़ पर टूअर डायरी जो है आप डाल सकते हैं। फिर है डिपार्चर और अराइवल का, इस तरीके से जो डिटेल है अपने यहाँ स्टेशन है जहाँ से आप चल रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ NAGR रोहतक, नगरोटा से हम चल रहे हैं और हम चल रहे हैं डेट 29/10/24 को। और ये जो है 29/10/24 को जो है उसके बाद जो है कितने बजे चल रही हैं, तो आप यहाँ टाइम डालेंगे। हमने डाल दिया है 9 AM, मॉर्निंग में 9 AM पे चल रही हैं। और उसके बाद जो है अगर आप जा रहे हैं शिमला, शिमला स्टेशन है वहाँ पहुँच रहे हैं और आप यहाँ 29 को निकले हैं, तो 29 को ही शिमला में पहुँच जाएंगे, तो ये डाल देंगे। और जो पहुँचने का टाइम है हम डाल देते हैं, यहाँ हम पहुँचे हैं 5 PM पे। इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और मोड ऑफ ट्रैवल ये जो है आप लिख सकते हैं बस, और रेट जो है ट्रैवल ऑफ क्लास ये ऑर्डिनरी आप यहाँ भर देंगे, ओडी नरी और एक्चुअल फेयर जो यहाँ आपका किराया है वो भर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी यहाँ 100 रुपया ही भर रहा हूँ। और होटल चार्जेस, अगर आपने होटल लिया है तो उसका रिसीट लगाना होता है साथ में, अगर नहीं लिया है तो इसको जो है नील कर सकते हैं। और नंबर ऑफ डेज, एक दिन की आपकी टूर डायरी थी तो एक डालेंगे। और रेट एडमिसिबल इसमें जो है आई थिंक 130 रुपीज़ या इससे कुछ ऐसा रहता है, तो आप यहाँ डालेंगे और एक दिन का जो है 130 यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के जो है यहाँ जो है ये जो है भरा जाएगा इस तरीके से। और फिर जो है आप रिटर्न जर्नी डालेंगे, तो रिटर्न जर्नी में जो है आप जाएंगे शिमला से नगरोटा वापस आ रहे हैं। और ये जो है इस तरीके से जो है आपने 29/10/2024 की जो है जर्नी करी हुई है, और ये वहाँ से चल रहे हैं आप सुबह 6 बजे, इस तरीके से भरा जाएगा ये। और आप 30 को चले हैं, 30 को ही पहुँच जाएंगे और आप पहुँच रहे हैं यहाँ शाम को 4 बजे। ये जो है बाय बस ही रहेगा मोड, बाय बस ऑर्डिनरी आप वापस आ रहे हैं। और यहाँ जो है एक्चुअल फेयर 100 रुपया किराया वापसी का भी आप भरेंगे। और इस तरीके से जो है आपने एक दिन जाने का है, एक दिन आने का है, इसमें वापसी की भी आप जो है डेली क्लेम करेंगे 130 रुपया ये हो जाएगी, और कुल मिला के जो है 130 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो खर्चा बैठ रहा है एक्चुअल फेयर, यहाँ जो है 200 रुपये आपके किराया मिलेगा और साथ में जो है 260 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है इस तरीके से जो है फॉर्म आप भर सकते हैं अपना TA एक्सपेंस। और इसके बाद जो है टोटल कॉलम 12 PF, VF में जो है टोटल कितना भरा गया है, तो ये यहाँ जो है आप डाल देंगे 460। और टर्मिनल, अगर आपका कोई लोकल चार्जेस वहाँ पे लग रहे हैं, जैसे 10 रुपये आपने लोकल डाल दिए हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट 0 है, कन्वीनियंस अलाउंस 0 है, और टोटल जो है नेट जो है आपका हो गया है 470, तो इसमें जो है आप यहाँ पे अपने जो है साइन कर देंगे इस तरीके से। और इसे जो है अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बुलाने के उपरांत जो है इसकी एक कॉपी वेरीफाइड करा के और साथ में जो है टूअर डायरी अटैच करने के बाद जो है रिफंड के लिए दे सकते हैं।